बैठे बैठे यूं जिंदगी ना बर्बाद कीजिए, जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने को। यदि आसमान भी रोके आपका रास्ता तो तैयार हो जाओ आसमान को भी झुकाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको जीवन में कुछ करना है, यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना है, तो सबसे पहले अपने समय को बर्बाद होने से रोकिए। अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो होम बेस्ड बिजनेस करते हैं या वो प्लान कर रहे हैं अपने घर से व्यवसाय करने का। मैं आज आपको बताऊंगा 5 बड़ी ऐसी गलतियां जो घर से व्यवसाय करने वाले या होम बेस्ड बिजनेस जो करते हैं वो अक्सर जाने अनजाने में वो गलतियां कर देते हैं, और वो गलतियां उन्हें नोटिस न होने के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके बिजनेस में ग्रोथ हो। बस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, बिना स्किप कीजिए देखिए। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु, आपका दोस्त और होस्ट, आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के समय में घर से व्यवसाय करना या होम बेस्ड बिजनेस करना ज्यादा अच्छा विकल्प है। समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होती है और इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को बहुत आसानी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यवसायी ऐसे हैं जो होम बेस्ड बिजनेस में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। वे ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो गलतियां क्या करते हैं उन्हें वो नोटिस नहीं हो पाती और उसके कारण उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ता है, जिसके चलते वो एक अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि बिजनेस उनके बस की बात नहीं है, बिजनेस बच्चों का खेल नहीं है, बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता। इस तरीके के वो माइंडसेट बना लेते हैं और अपना बिजनेस वो बंद कर देते हैं। आज मैं वही गलतियां आप सबको बताऊंगा कि जो होम बेस्ड बिजनेस वाले करते हैं या घर से व्यवसाय करने वाले लोग अक्सर क्या करते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती तो यह होती है कि जैसे ही होम बेस्ड बिजनेस का नाम आता है तो हम उसे बहुत कैजुअल लेते हैं। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, घर से ही तो करना है, इस तरह का एटीट्यूड और अप्रोच हमारी हो जाती है। ऐसे में हम अपने बिजनेस को पूरा समय नहीं दे पाते हैं और अपने व्यवसाय को छोड़ करके हम दूसरे कामों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मान लीजिए टीवी पर कोई मैच चल रहा है तो हम मैच देखने के लिए बैठ जाएंगे, या हमारे किसी फ्रेंड ने हमको कहा कि चलो कुछ जरूरी काम है हम चलते हैं, तो हम उसके साथ चले जाएंगे और ये सोचते रहेंगे कि हमको अपना काम तो घर से ही तो करना है, हम कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम रोज बाहर जाकर के 8 से 10 घंटे काम करते हैं या जॉब करते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने घर में व्यवसाय करते हैं या होम बेस्ड बिजनेस करते हैं तो उसे भी रोज 8 से 10 घंटे देना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने बिजनेस को सेट कर पाएंगे, एक अच्छा सेटअप बना पाएंगे। यदि आप होम बेस्ड बिजनेस पार्ट टाइम कर रहे हैं तो रोज 2 से 4 घंटा देना बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी गलती यह है कि हम अपना बिजनेस जोश जोश में स्टार्ट तो करते हैं, उसे कुछ दिन तक करते भी हैं, लेकिन 3-4 महीने के बाद यदि वो चला तो चला, नहीं तो उसे हम बंद कर देते हैं। ज्यादातर लोग अपने होम बेस्ड बिजनेस 3 से 5 महीने के बीच रिजल्ट्स ना मिलने के वजह से बंद कर देते हैं। किसी भी चीज के रिजल्ट्स आने में वक्त लगता है, समय लगता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रकृति भी 9 महीने लेती है बच्चे को जन्म देने के लिए। यदि भगवान चाहते तो 10-20 दिन के अंदर भी बच्चा पैदा कर सकते थे। प्रकृति से हमें यह सीखना चाहिए कि किसी भी सृजन में वक्त लगता है, समय लगता है। उसी तरह बिजनेस में भी पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, इसी तरह हमें अपने बिजनेस में भी पेशेंस रखने चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए। रातों रात कुछ नहीं बदलता, ये हमें समझना होगा। हमें कम से कम 1 साल अपने बिजनेस को देना चाहिए, वो भी तब जब हम रोज अपने बिजनेस को 8 से 10 घंटे अपना समय देते हैं। तीसरी बड़ी गलती यह है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यदि हम अपना व्यवसाय घर से ही कर रहे हैं, हम अपना होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं तो सारे काम हमको ही करने हैं। अक्सर इस तरह की गलतफहमी से काम अच्छा होने की बजाय बिगड़ जाता है। मेरे एक क्लाइंट है जिनका कोरियर एजेंसी का काम है, वो ये काम अपने घर से ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए, पिकअप करने के लिए और नए क्लाइंट्स बनाने के लिए मार्केटिंग के चलते उनको सुबह से शाम तक अपने घर से बाहर फील्ड में रहना पड़ता है। एजेंसी के जो क्लरिकल काम होते हैं, जैसे डाटा एंट्री करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, छोटा मोटा अकाउंट्स देख लेना या फोन अटेंड करना, इस तरह के जो काम होते थे वो उनकी पत्नी किया करती थी।
लेकिन पत्नी को ये सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, घर भी मैनेज करना और एजेंसी का काम भी मैनेज करना। इसलिए मेरे क्लाइंट ने शाम को आने के बाद क्लेरिकल काम करना शुरू किया एजेंसी का, जिसका असर उनके काम काज पर दिखने लगा। फिर मेरे कहने पर उन्होंने पार्ट टाइम के लिए एक लड़की को जॉब पर रख लिया, जिससे उनका काम स्मूथ हो गया। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि यदि आप होम बेस्ड बिजनेस करते हैं तो आपको वह अकेले ही करना है। यदि आपके बिजनेस की डिमांड है कि उसे एक टीम के साथ करना है, या ऐसी कोई एक्सपर्टीज की जरूरत है या एक्सपर्ट्स की जरूरत है जिसमें आपको किसी को हायर करना पड़े, तो हायर जरूर कीजिए। इससे आपके बिजनेस को लाभ ही मिलेगा, फायदा ही मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। दोस्तों, यदि अभी तक मैंने जितने भी मिस्टेक्स आप लोगों को बताई हैं, यदि आप वो मिस्टेक में से कोई भी एक मिस्टेक कर रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक की। दोस्तों, अक्सर लोग बिजनेस एक दूसरे की देखा देखी में शुरू करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने फूड बिजनेस स्टार्ट किया, वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो मैं भी फूड बिजनेस ही करता हूँ। मेरे उस रिलेटिव का मशरूम कल्टीवेशन का काम है, वो तो बहुत नोट छापता है, तो मैं भी यही करता हूँ। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हर इंसान के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, उनकी परिस्थिति अलग होती है, उनकी सिचुएशन अलग होती है, उनकी लोकेशन अलग होती है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे एलिमेंट्स और फैक्टर्स जो होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर के बिजनेस स्टार्ट होता है। कोई भी बिजनेस आइडिया फाइनल करने से पहले हमें बिजनेस की सारी डिटेल्स मालूम होना चाहिए, बिजनेस रिसर्च मालूम होना चाहिए, बिजनेस प्लान हमें मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के हम कोई बिजनेस फाइनल कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवी और आखिरी गलती यह है कि लोग बिना विजन के काम करते हैं। वह पास का फायदा देखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करते हैं, वह अपना गोल सेट नहीं करते हैं। समय समय पर अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का यूज अपने बिजनेस में कैसे करें यह भी मालूम होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक बिजनेस स्टाइल और मॉडर्न बिजनेस स्टाइल को मिक्स मैच करके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है यह मालूम होना भी बहुत जरूरी है। यह तभी संभव है जब आप अपने बिजनेस में विजन, गोल, टारगेट को इंपॉर्टेंस देंगे। दोस्तों, इसके अलावा छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन यदि ये पांच बड़ी गलतियां आपने नहीं की, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखा, तो आपका बिजनेस सफलता की बुलंदियों को जरूर चूमेगा, यह मेरा अनुभव कहता है। इसके अलावा भी यदि कोई आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। सुखी रहिए, समृद्ध रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।